नेताजी के साथ 24 घंटे में आज बात होगी झालावाड़ 12 सीट की, जहां से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत चुनावी मैदान में है। तो किस तरह से चल रहा है उनका चुनाव प्रचार, आइए आपको दिखाते हैं। इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में पधार चुके हैं। सभी भाई लोगों से ये देने की जोरदार जयकारे से स्वागत करेंगे। राजा दुष्यंत जिंदाबाद, जिंदाबाद वसुंधरा राजे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये नारेबाजी वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत के लिए की जा रही है। दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र से चौथी बार चुनावी मैदान में हैं और जनता से वोट मांगने में जुटे हैं, ताकि एक बार फिर संसद तक पहुंच सकें। यहाँ की नौकरी मिलने की भी प्रयास करेंगे और वो ये कहना है कि ये माने ये रोड अब आपके यहाँ रोड आ गया, अब आपके यहाँ 33 KV का लाइन आ गया, फॉरन बन गया, हमारे यहाँ रोड बन गया, तो यहाँ लॉजिस्टिक पार्क भी आएगा। दुष्यंत का चुनाव अभियान जोरों पर है। वो झालावाड़ 12 के गांवों में जाकर अपने लिए जन समर्थन जुटाने में जुटे हैं। यहाँ का चुनावी माहौल जानने पर पता चला कि अफीम के किसानों के पट्टों के साथ राष्ट्रवाद यहाँ मुख्य मुद्दा है। दुष्यंत सिंह लोगों को यही समझाने में लगे हैं कि मोदी सरकार ने लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं, जबकि अशोक गहलोत सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलकर राजस्थान में सरकार बनाई है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सीमा से सटे राजस्थान के झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र में इस बार मुकाबला काफी रोचक है, क्योंकि कांग्रेस ने प्रमोद शर्मा को टिकट दिया है, जो राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। प्रमोद शर्मा को बाहरी बताते हुए दुष्यंत ने दावा किया कि झालावाड़ 12 की जनता उनके परिवार की तरह है और उन्हें ही चौथी बार जिताकर संसद भेजेगी। दुष्यंत को जिताने के लिए उनकी पत्नी निहारिका भी दिन रात एक किए हुए हैं। वो भी गांव-गांव गली-गली का दौरा कर अपने पति के लिए समर्थन मांग रही हैं। निहारिका जनता के आशीर्वाद के साथ साथ अपने पति की जीत के लिए भगवान से आशीर्वाद लेना भी नहीं भूल रही। उन्होंने घर घर जाकर कुछ इस तरह वोट मांगे। सब अपना वोट खारिज फालतू पार्टी को ना देकर भाजपा की तरफ दे, ताकि आपका वोट सही उपयोग हो और भाजपा फिर से सरकार, जिसे आपने देखा ये भाजपा की सरकार के कार्य में कितना कार्य हुआ, कितनी विकास हुआ है, इसी विकास का पहिया आगे बढ़ाने के लिए आप सब भाजपा के पक्ष में अपना वोट आने वाले 29 तारीख को दे और भारी मतों से राजा साहब को विजयी बनाए। निहारिका को यकीन है कि झालावाड़ 12 की जनता दुष्यंत को ही जिताएगी। हम इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान राज्य के झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र। हमारे संग हैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद और प्रत्याशी दुष्यंत सिंह जी की पत्नी और वसुंधरा राजे जो पूर्व राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनकी बहू निहारिका राजे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज और न्यूज एक्सपर्ट जी। धन्यवाद। कैंपेन खूब चल रहा है यहाँ पे, खूब प्रचार हो रही है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको यहाँ लोगों से? आपने देखा ही है कि पारिवारिक रिश्ता है और ये आज का नहीं 30 साल पुराना रिश्ता है, और आप देखिए कितना उत्साह और लहर है लोगों में दुष्यंत सिंह जी के प्रति वोट करने के लिए। दुष्यंत के चुनाव अभियान की कमान खुद वसुंधरा राजे ने संभाल रखी है। वो पिछले कई दिनों से झालावाड़ 12 में डेरा डाले हुए हैं और गांवों में जाकर अपने बेटे के लिए वोट मांग रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र जो राजस्थान राज्य में पड़ता है। यहाँ पे हम काफी समय बिता चुके हैं, आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी भी यहाँ कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, वो भी यहाँ पधारी हैं प्रचार करने के लिए अपने बेटे जो यहाँ के वर्तमान के सांसद है दुष्यंत सिंह जी उनके लिए, या निहारिका राजे जी उनकी बहू हैं उनसे भी हम वार्ता कर चुके हैं, वो भी यहाँ पधार चुकी हैं। प्रचार यहाँ जोरों शोरों से हो रहा है। दुष्यंत सिंह जी यहाँ से लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं, अब
चौथी बार वो दोबारा प्रयास कर रहे हैं चुनाव लड़ने का यहाँ से और दोबारा विजयी हासिल करने का। यहाँ पे काफी विषय जो हैं जो हावी हैं किसान के हों उस पर लगभग बात की गई है उनके जरिए। राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार मैं बता सकता हूँ आपको कि 25 से 25 सीट हासिल किए थे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।